दोस्तों मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक कैस्ट के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रियलमी 6i में आप वॉलपेपर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर स्क्रीन के सेंटर में क्लिक कर देना है, लॉन्ग प्रेस करना है और अब आपको यहाँ पर ऑप्शन कह देंगे चार। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलपेपर, इस पर हम क्लिक करेंगे और अब आपको यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर्स यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आपको इनमें से कोई वॉलपेपर अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ पर ये जो मोर वॉलपेपर है यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिलहाल मैं आपको उनमें से किसी वॉलपेपर को सेट करके दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे किसी वॉलपेपर पर और ये सेट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर मोर वॉलपेपर पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये जो ऑप्शन है ये फ़ोटोज़ वाली, यहाँ पर आप अपनी गैलरी में से कोई भी फ़ोटो यहाँ पर सेट कर सकते हैं वॉलपेपर पर। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, गैलरी में से आप जो भी फ़ोटो चाहें वो सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर स्टैटिक वॉलपेपर्स पर ले जाता हूँ। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसके लिए हमें नेट ऑन चाहिए, तो हम इंटरनेट ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आप ओपन थीम स्टोर पर क्लिक करते हैं यहाँ पर, और अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगी वॉलपेपर, इस पर हम क्लिक करेंगे और अब आप देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर्स अवेलेबल हैं। इन्हें हम क्लिक करके पहले डाउनलोड कर लेंगे, जैसे कि फ़िलहाल मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे और अब आप सेट एज़ पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, सेट एज़ लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, सेट एज़ होम स्क्रीन वॉलपेपर एंड सेट एज़ बोथ। अगर आपको दोनों पर सेट करना है, लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन पर, आप तो आप सेट एज़ बोथ पर क्लिक करेंगे। अगर आपको होम स्क्रीन पर या लॉक स्क्रीन पर एक पर ही सेट करना है तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो यहीं से आप इसे ऐसे सेट कर सकते हैं।